नमस्कार, एसएन न्यूज़ में स्वागत है। आज हम पहुंचे सांसुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर। हमारी यहाँ मुलाकात शांतिलाल जी नागवंशी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। शांतिलाल जी, एसएन न्यूज़ में बात करने के लिए धन्यवाद आपका। शांतिलाल जी, एक बात बताइए, जो कल परसों से एक अफवाह उड़ी थी कांग्रेस पार्टी में, जैसे रमेश जी ने समर्थन नहीं दिया, वो क्या है, वो थोड़ा बताएं। ऐसा है सर जी कि सांसुर में भी बसपा का जो वर्चस्व है वो तेज़ बढ़ता जा रहा है। हमारे लोग जो जितने जागरूक हुए हैं, उन हुजूम को ये लोग पचा नहीं पाए, इसलिए उन लोगों ने अपने जो कुछ कांग्रेस के जो दलाल लोग हैं, पिट्ठू लोग हैं, जो बाबा साहब ने कहा था कि ये हमारे समाज के पिछले गु और पिट्ठू दलाल हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों ने एक अपनी सभा बताई, एक ऐसा वर्चस्व दिखाया कि ये एससी एसटी कम्युनिटी के हैं। बाकी वो एससी एसटी कम्युनिटी के बहुत कम लोग थे, दूसरी जगहों से ला करके यहाँ भीड़ दिखा करके हमारे लोगों पर एक अफवाह का माहौल बनाया इस मार्केट में कि बसपा ने समर्थन दिया है कांग्रेस को। बल्कि ऐसा नहीं है, बसपा का कैंडिडेट मजबूती से चल रहा है और हम जीत की ओर है। अभी बहन जी का प्रोग्राम हमारे आहोर में हुआ, जालौर में, उससे और ज़्यादा हमारा माहौल तेज़ बढ़ गया है। और आज हमारी पैदल मार्च जो है, वो पैदल मार्च में इतने लोग जन समूह उमड़ रहा है कि हमारे लोगों को हम खुद ही संभालने में इतना कवर कर रहे हैं कि जितने लोग जो हैं, हम जितना कम बुलाना चाहते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं। इतनी हमारे युवाओं में और बुजुर्गों में जागृति आई है कि आज हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिर्फ सोशल मीडिया से प्रचार होता है। हमारा मीडिया नहीं होने की वजह से हम लोगों तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन सोशल मीडिया ने और हमारे जितने भी दलित न्यूज़ दस्तक वगैरह जो हैं, उन लोगों ने हमारा समय समय पर साथ दिया और आज हम रमेश जी बोस को जिताने के लिए तत्पर तैयार हैं और रमेश जी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है, कोरी अफवाह पर कोई ध्यान न दें। और ये इन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस हार रही है, ये अपने हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस सिर्फ ये वो साम दाम दंड भेद वाली नीति को लेकर के हमारे लोगों के अंदर एक ऐसी मिस अफवाह फैला रही है कि ये एससी एसटी वाले अलग हो जाएं, इनसे टूट जाएं। हमारे लोगों ने रातों रात हमसे संपर्क किया कि जो अफवाह फैली है उसका क्या है। हम लोगों ने उनको सांत्वना दी थी और बात की कि ये सारी अफवाहें जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है और ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश या षड्यंत्र माना जाए। बसपा चुनाव लड़ेगी तो मतलब किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? हमारी सबसे इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है कि हमारे यहाँ सबसे एससी और एसटी की जो जनसंख्या है वो 75,000 है, 75,000 है, और वो नेहड़ क्षेत्र में रहता है। आज नेहड़ जहाँ भी ये बाढ़ का प्रकोप रहता है वो नेहड़ क्षेत्र के लोगों पर ज़्यादा रहता है। वहाँ उन लोगों के लिए रास्ते भी नहीं है सही ढंग के चलने के लिए, बिजली पानी की तो व्यवस्था बहुत कोसों दूर है, चलने का रास्ता भी सही नहीं है। अभी हमारे रमेश कुमार जी बॉस ने जहाँ ग्रामीण दौरे किए, वहाँ गाड़ी चलने के लिए रास्ते नहीं थे, तो पैदल चल करके उन्होंने वहाँ लोगों से संपर्क किया है। इसलिए साथियों, हमारा सबसे अहम मुद्दा होगा उन लोगों के लिए बिजली और पानी और गरीबी, जिसमें जो घर की व्यवस्था है, शिक्षा, और यहाँ पर एक हमारा सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है वो राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इतनी बड़ी पार्टियां यहाँ होते हुए, शासन होते हुए, इनकी सरकारें होते हुए, हम ये हमारे जो क्षेत्र के जो युवा साथी हैं वो आज दर बदर भटकते रहते हैं और प्राइवेट कॉलेजों में अपनी पूंजी गंवा रहे हैं और वो शिक्षा का स्थान नहीं कर पाते सही तरीके से। इसलिए सबसे हमारा अहम मुद्दा है शिक्षा के बारे में, बालिका विद्यालय और पेयजल की जो समस्या है, पेयजल की जो समस्या है वो सभी जगह ऐसी की ऐसी चल रही है। नर्मदा चलने के बावजूद भी उसका पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन उनको हमारे घरों में पीने के लिए जो फिल्टर पानी की व्यवस्था इन्होंने समय पर कही थी वो पूरी नहीं कर पा रहे। हमारा अहम मुद्दा पेयजल, शिक्षा और हमारे इन लोगों के जो घर तक पहुँचने का बिजली पानी व्यवस्था की, इसके बारे में हमारा अहम मुद्दा रहेगा।